कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया। चारों दिशाओं में तेज सब छाया। वो कहते हैं ना, मंजिल से इम्पोर्टेंट सफर होता है, बट मेरे साथ कुछ अलग ही खेल हुआ है। सो गाइस, अभी हम सीतापुर से निकल लिए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, उसके बाद अभी राइडिंग पोजीशन ये है, रणधीर लीड कर रहा है, अतुल बीच में, मैं लास्ट में हूँ। अभी का हमने प्लान बनाया है चौपटा तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। सफर भी मंजिल चलती जा रही है, मंजिल का पता नहीं, सफर बस चल रहा है हमारा। यहाँ से दिल्ली है 451 किलोमीटर, बहुत दूर है दिल्ली। दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी सफर भी मंजिल चलती रहेगी, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। अनटच तो नहीं कह सकते, बट एडवेंचर वाली ट्रिप के नज़ारे मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो अभी हम आपको जा रहे हैं चौपटा तुंगनाथ, तुंगनाथ महादेव के वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है वो, उसके दर्शन करेंगे। उसके ऊपर है चंद्रशिला पीक जो 3 किलोमीटर अप है तुंगनाथ महादेव से, और वहाँ से जो नज़ारे दिखते भाई साहब, क्या अल्टीमेट नज़ारे दिखते हैं। सारी पीक दिखती है उत्तराखंड की, नंदा देवी पीक हो, कोई भी चुकुम्बा पीक हो, बहुत सारी पीक दिखती है भाई साहब, अल्टीमेट नज़ारा। वो आज हम आपको दिखाएंगे, पॉसिबल हुआ तो आज ट्रैक करेंगे, नहीं तो कल का तो डेफिनेटली हम ट्रैक करेंगे तुंगनाथ महादेव का। अभी देखते हैं रोड कंडीशन के ऊपर है, अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो आज ही ट्रैक कर लेंगे, नहीं पहुंचे तो कल ही करेंगे। ऐसे यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, क्लीनिंग का सब काम चल रहा है। ये देखो पूरी पहाड़ी दर के नीचे गिरी हुई है, पूरी पहाड़ी नीचे आ गई, टूट के उधर भी टूटी है। अरे पूरी कीच है, पूरी कीच, बाइक इधर उधर भाग रही है, बहुत डेंजर हो रखा है रास्ता, इधर उधर भाग रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है बाइक। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डेंजर रास्ता है, पैर नीचे रख के चलाना पड़ेगा। सीधे मंदाकिनी में मिलेंगे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई। पूरी रोड बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है, बहुत खतरनाक, इधर से लेना चाहिए तो मंदाकिनी में मिलेंगे। ब्लॉक कैसे आएंगे फिर एम टू ट्रेवलर्स पे, स्लिप होएगी, रोड तो है ही नहीं, पूरी कीच है। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, बचा लो भोले बाबा, बचा लो भोले बाबा। अरे ये तो पूरी बजरी पड़ी है, ऊपर से इतनी गंदी कीच, कंट्रोल नहीं हो रही है। ओह निकल गए, ओह माय गॉड, इतना एडवेंचर नहीं है चाहिए था। गिरी ले लद्दाख फेल कर दिया है, जूतों की क्या हालत हो गई, जूता भी फट गया मेरा, देखो गाइस अब कैसे मैं जाऊंगा पता नहीं, पूरा जूता फट गया है। आगे भी एक यहाँ पे वाटरफॉल था, वहाँ पे रुके थे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, अब देख लेना। लैंडस्लाइड रखा था आगे, रास्ता खुल गया है इसलिए हम पीछे वेट कर रहे थे थोड़ा, सुबह 4 बजे लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पे, वो रास्ता अब जाके खुला है।
बहुत ज्यादा कीच है। ओए 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 वाटरफॉल, नहीं 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 वाटरफॉल देखने के चक्कर में गिर जाऊंगा। इधर इधर देखो, ये देखो पूरा नदी में बाढ़ ला दिया इसने, जा देखो वहाँ मूत्र शुरू कर देता है ये। अब तक इसने 2000 रुपए का पानी पिया और मूता है। अब हम चौपटा के रास्ते में आ गए, ये डैम है यहाँ पे, डैम से आपको ऊपर जाना होता है, एक पीछे का रास्ता कुंड की ओर जाता है, वो आपको सीधा रुद्रपैक ले जाएगा, और ये कुंड से आप लेफ्ट लोगे तो आपको चौपटा तुंगनाथ की ओर ले जाता है। चौपटा यहाँ से 33 किलोमीटर रह गया है, और नज़ारे ही नज़ारे शुरू हो गए यहाँ से, बहुत ही अच्छा है। बारिश थोड़ी रुक गई है तो हम नज़ारों का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। ये देखो धान की खेती हो रखी है, टेरेस फार्मिंग होती है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया खेती हो रखी है। ये साइज से ऊखी मठ है, ऊखी मठ में जब विंटर्स में केदारनाथ और तुंगनाथ को शिफ्ट किया जाता है, तो विंटर में तुंगनाथ और केदारनाथ का घर यही होता है, ये 6 महीने यही पूजा होती है तुंगनाथ और केदारनाथ बाबा की। गाइस यहाँ से क्या खतरनाक व्यू देख रहा है भाई साहब, एक एक माउंटेन की लेयर बनी हुई है, बहुत ही खतरनाक व्यू है। ऊपर से ये जो बादल है छोटे छोटे, अल्टीमेट मजा दे रहे हैं। एक एक पीक दिख रही है, एक एक पीक। अभी मौसम साफ है इस वजह से दूर तक हम देख पा रहे हैं, अगर मौसम बारिश वाला या फॉगी होता है ना तो हमें कद्दू कुछ नहीं दिखता। सो गाइस हमने तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, टोटल ट्रैकिंग 5 किलोमीटर की है चंद्रशिला तक। तुंगनाथ महादेव अराउंड कितने, थ्री किलोमीटर अभी हमने 1 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से बहुत ही औसम व्यू आ रहा है, आप पीछे देख सकते हो बादल से पूरा पहाड़ ढका हुआ है, और वो पीक्स दिख रही हैं, ग्लेशियर पूरे सब बर्फ से कवर है, और वो त्रिशूल पर्वत, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत दिखते हैं, आपको चंद्रशिला से दिखाएंगे। तो अभी हम ट्रैक कंटिन्यू करते हैं, आगे आपको मिलते हैं। चौपटा भी जाते जाते ना हालत खराब हो जाएगी, चौपटा ही तो ऐसा ले वो चौपटा का चंद्रशिला भाई, ये मान के चलो कंफर्म है कि जब वापस पिछली बार तो दिसंबर में आए थे, तो इस चक्कर से जब वापसी की थी ना तो बर्फ पे की थी वापसी, अब की यार पत्थरों पे ही करनी है, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। अरे पिछली बार तो जंगल जंगल रपट तो आए थे, क्यों बर्फ के सारे, लेकिन अभी तो जंगल ही जंगल है भाई, और बारिश ऊपर से हो रही है, कहाँ से क्या गोला फेंकेगा। अरे वो कहाँ भी पूरे उत्तराखंड में कहीं भी पड़ सकता था वो गोला, और अभी भी पड़ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो जंगल जंगल नहीं आ सकते ना, ये दिक्कत है अभी। पिछली बार तो जंगल ही जंगल निकला था मैं वहाँ पे, सीधा नीचे यहाँ आने का चक्कर ही नहीं था। जंगल मतलब ऐसे सीधे क्या? हाँ ऐसे पूरा पहाड़ी कूद गए थे चंद्रशिला से जब उतरे थे ना भाई, बर्फ वाला पहाड़ देखे जैसे ही, 2-3 पहाड़ भाई ऊपर से सरकते हुए आ रहे हमारे पीछे, फिसलते हुए बस, और क्या, हमारे पीछे 10-12 की लाइन लग गई भाई, 5-6 तो हम लोंडे थे है ना, 5-6 थे हम फिसलते हुए आ रहे, अरे छुल गई थी भाई, लेकिन हमने रास्ता बना दिया, सब एकदम आसानी से उधर से ही आते जा रहे। फिर सही है, आज फिर करते हैं, आज पत्थरों में बना दो, पत्थरों में पार निकल जाए पत्थरों में। गाइस हमने शॉर्टकट मारा है तुंगनाथ महादेव का, पर ये शॉर्टकट बहुत भारी पड़ रहा है, हमें सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, डायमॉक्स खाई है हमने तब भी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रखी है। गाइस देखिए बंदों की हालत खराब, पूरा पहाड़ी चढ़ते चढ़ते पार निकल गया है। अतुल भाई साहब एक्सपीरियंस बताओ, ज़्यादा मत पी, एक फू फू कर रहे हैं, जान निकल गई। गाइस हमने तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर लिया, पीछे देख रहे होंगे तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर, बट कोविड के चक्कर में ना परिक्रमा लगाने दी जा रही है, ना अंदर दर्शन करने दिया जा रहा है, ना पूजा करने दिया जा रहा है, क्या करें, कोविड अब यहाँ तक तो पहुँच गया, केदारनाथ में तो वहाँ तक भी नहीं, भोले बाबा ने बुलाया, तुंगनाथ महाराज ने यहाँ तक तो बुला लिया कम से कम। तो ये भाई लोग की भी हालत ख़राब हो गई थी रास्ते में, बट यहाँ आके सबको सुकून मिला, सबकी थकान दूर हो गई है बिल्कुल। अगर आप 5 मिनट अगर बैठते हैं और थोड़ा शंकर जी का पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, अगर आप कितना भी बड़ा से बड़ा ट्रैक करके आते हैं तो सारी हालत। अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला, चंद्रशिला कहने को तो यहाँ से 1 किलोमीटर है, बट यहाँ से तो अराउंड 2 या 3 किलोमीटर है, खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पर जाके आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, वहाँ से बहुत सारी पीक दिखती है, स्नो कवर्ड माउंटेन दिखेंगे सारे।
तो चलो अब चंद्रशिला चलते हैं। हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। तुंगनाथ बाबा की जय। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सब छाया, स्थले गले वलंबे लंबिताम्बुलंग तुंग मालिका। नमट मट मट मर्मिनाद वट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु ना शिवा शिवम्। वल्लरी विराजमान मूर्धनी थगत 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 ज्वलललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रदीक्षण मम। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? चारों दिशाओं सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। हेलो सो गाइस, फाइनली हम चंद्रशिला पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे गंगा धाम है, चंद्रशिला माता का मंदिर है गाइस। भोले जी का मंदिर है। और यहाँ पे हमें चंडीगढ़ के भाई लोग मिले थे जो दिख नहीं पा रहे होंगे, पूरा अंधेरा है पर चमक रहे हैं दूर से। तो अभी हम यहाँ से, बोला गया था 1 किलोमीटर, पर 1 किलोमीटर मुझे लगता नहीं है कि 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। बहुत टफ ट्रैकिंग थी यार, यहाँ पर रोड तो है नहीं, मतलब पत्थर चढ़ते हुए आए हम लोग, हालत पूरी ख़राब हो गई थी। अब थोड़ा रेस्ट करके अब हम नीचे उतरेंगे सीधा। रेस्ट क्या मतलब, अब उतरने ही अंधेरा हो गया है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम यही है कि अंधेरा हो गया है, कैसे पहाड़ी से उतरेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। लाइट वाइट तक हम पहुंचेंगे, लाइट वाइट का जुगाड़ है नहीं हम पे, अब कैसे नीचे उतरेंगे भाई। अभी हम भगवान भरोसे हैं, 7 बजे चंद्रशिला में हैं। आई थिंक 8:30 और 9 o'clock आई थिंक हम लोग पहुँच जाएंगे चौपटा पे। चौपटा उतरेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर सोएंगे, फिर नेक्स्ट डे सफर। विन मंजिल आपकी चलती रहेगी।